What's up everyone, welcome back to the channel. Consumers Equilibrium में budget line topic हम लोग आज cover करने वाले हैं. और budget line एक ऐसा topic है जो कि काफ़ी मिलता जुलता है indifference curve से, although दोनों बिल्कुल different concepts हैं, but still क्योंकि curves हैं तो आप लोगों को काफ़ी confusion रहता है. But no worries at all, आपको confusion है तो solution हमें देना ही है. तो चलो budget line आज complete करते हैं, और chapter almost ending पे है, बिल्कुल complete होने वाला है. डिमांड इसके बाद चैप्टर आता है जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही पढ़ा दिया था. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड, इंट्रोडक्शन टॉपिक्स हमारे डन है. इसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ. तो आज के लिए जो हमारा मेजर फोकस है वो रहने वाला है बजट लाइन. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट लाइन की डेफिनेशन के साथ. देखो मैंने क्या लिखा है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. भाई अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, फिर से बोल रहा हूँ, तो ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा. तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ऑफ टू गुड्स, किस चीज के, किन्हीं दो गुड्स के, विच कैन बी परचेज्ड, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है, विद हिज इनकम एंड प्राइजेस, जो उसकी इनकम है और मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से. ठीक है, दो चीज़ों को ध्यान रखना है, इनकम और प्राइस, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, और उनका खर्चा कितना होना चाहिए, इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसकी इनकम के हिसाब से. यानी कि बजट लाइन एक ऐसा लाइन है जो ये दिखाता है कि भाई मेरा बजट कितना है, मैं अपनी इनकम में कितना सामान खरीद सकता हूँ, और ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जो मैं खरीद सकता हूँ. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कॉम्बिनेशंस बना लेंगे अलग अलग, एप्पल ले लेंगे, बनाना ले लेंगे, और हम लोग बोलेंगे इनकम. अब देखो बजट लाइन बोल रहा है, वाई का मतलब होता है इनकम, वाई मीन्स वॉट, इनकम. बजट लाइन ये बोल रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं दो गुड्स के जो कि इनकम और प्राइस दोनों को कंपेयर करें, और जो कॉस्ट आए वो किसके इक्वल आए, इनकम के इक्वल आए. अब लेट सपोज मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो इनकम है वो रुपीज 20 है. इनकम कितनी है, 20 रुपीज. ये एप्पल है, एप्पल है 4 रुपीज का, और बनाना है 2 रुपीज का, बनाना है 2 रुपीज का. तो अगर एक कंज्यूमर है वो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाता है, सपोज बी, उसने कहा कि मैं अपने 20 रुपीज में सारे के सारे एप्पल लूंगा, 20 रुपीज में सारे एप्पल लूंगा, तो कितने एप्पल आएंगे, 5 एप्पल्स, बनाना 0. तो देखो मैं बोल सकता हूं ना यहां पे कि 5 × 4 + 0 × 2 पूरे 20 रुपीज हो गए. अब उसने बोला कि यार मुझे बनाना भी लेने हैं, तो मैंने बोला भाई अगर बनाना लेने हैं तो यहां से एप्पल कुछ छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम तो 20 है. अगर आप बनाना लेना चाहते हो तो आपको यहां कुछ एप्पल छोड़ने पड़ेंगे. तो एप्पल छोड़ने के लिए उसने कहा ठीक है मैं 4 एप्पल ले लेता हूं. अब देखो जैसे ही इसने 4 एप्पल लिए तो 4 × 4 16 रुपीज का खर्चा हुआ. अभी मेरे पास कितना पैसा बचा, 4 रुपीज और बचे, बनाना है 2 रुपी का, तो अल्टीमेटली 2 बनाना आ जाएंगे, फिर से 20 रुपीज पूरे स्पेंट हो गए. अब उसने बोला कि यार मुझे बनाना और लेने हैं. मैंने कहा भाई अगर और लेने हैं तो ये एप्पल फिर छोड़ना पड़ेगा एक आधा, क्योंकि तभी तो पैसा आएगा. तो उसने कहा ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ. मैंने कहा अगर 3 करता है तो 3 × 4 12 रुपीज, अब बचे 8 रुपीज, तो 2 × 4 अल्टीमेटली 20 रुपीज फिर स्पेंट हो गए. तो यहां पे अब इसके पास कितने बनाना आ सकते हैं, 4 बनाना आ सकते हैं. अब इसने बोला कि अब मुझे एक बनाना और लेना है. मैंने कहा ठीक है एप्पल छोड़ो, एप्पल अब 2 कर देगा, तो अल्टीमेटली 2 × 4 8 रुपीज, आपके पास बचे अब 12 रुपीज, तो कितने बनाना आ सकते हैं, 6. तो यहां पे आ जाएंगे 6. अब इसने क्या बोला, अब मुझे 1 एप्पल लेना है. मैंने कहा ठीक है नो इश्यूज, 1 एप्पल ले लो. तो 1 एप्पल कितने का हो गया, 4 रुपीज. अभी इसके पास कितना पैसा बचा, अल्टीमेटली 16. तो अब यहां पे 8 बनानाज आ सकते हैं. ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन हम और बनाते हैं. उसने कहा मैं सारा पैसा बनाना पे स्पेंड करना चाहता हूँ, सब बनाना पे, तो कितने बनानाज आ जाएंगे, 10. तो 0 एप्पल 10 बनानाज, अब भी 20 रुपीज. अब देखो, अब पढ़ो डेफिनेशन को. क्या बोला, बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाएंगे,
ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस, इन सभी कॉम्बिनेशंस का, ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, 5 apple 0 बनाना, 4 apple 2 बनाना, 3 apple 4 बनाना, ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, हमने दो गुड्स लिए हैं एप्पल बनाना, विच कैन बी परचेज विद इनकम एंड प्राइसेस, इनकम प्राइस को कंपेयर करा, सच दैट, इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, इनकी जो कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए इनकम के. देखो कॉस्ट इतनी आ रही थी 20 और इनकम भी कितना है 20. समझ में आया बजट लाइन? अब बना लेते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना. लो जी, इधर एप्पल ले लो, इधर बनाना ले लो. एप्पल लेने हैं हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, वाई हो गया, ओरिजिन 0 हो गया, और इधर हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 10. अब एप्पल अगर 5 है तो बनाना 0 है, बिल्कुल यहाँ प्लॉट हो जाएगा. उसके बाद 4 हुए तो 2, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे. उसके बाद 3 हुए तो 4, लगभग यहाँ. उसके बाद 2 हुए तो 6, लगभग यहाँ. उसके बाद 1 हुए तो 8, लगभग यहाँ. उसके बाद 10 हुए तो 0, लगभग यहाँ. तो हम लोग को इसको प्लॉट करना है, तो हम लोगों के पास देखो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ गया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है जो कि दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है. ध्यान रखना, जो हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था बच्चों, वो इंडिफरेंस कर्व दोनों एक्सिस को टच नहीं कर रहा था, वो ऐसा था. क्यों? क्योंकि वहां पे हम गुड्स को जीरो नहीं ले सकते थे, ना एक्स ना वाई, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होती थी, क्योंकि दोनों से सेटिस्फैक्शन लेना है, जीरो हो गया तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं. लेकिन यहाँ पे एक बार ये जीरो है, एक बार ये जीरो है, इसीलिए दोनों एक्सिस को टच करता है. ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करेगा, बजट लाइन करेगा, समझे? अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो हमारे पास ये बजट लाइन आ गया. अब देखो ये बजट लाइन क्या शो कर रहा है, ये बजट लाइन ये शो कर रहा है कि ये मेरा बजट है, ये जो लाइन है ये मेरा बजट है, मैं इतनी स्पेंडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, यू हो, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे मेरे 20 रुपीज स्पेंड हुए हैं, समझे? अब अगर मैं बोलूँ कि कोई पॉइंट यहाँ है ए, या फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ है ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट शो कर रहा है कि ये मेरे बजट के अंदर है. बजट के अंदर मतलब कि मैं यहाँ सारा पैसा खर्च नहीं कर रहा, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब क्या शो करते हैं? अंडर स्पेंडिंग, कि मैं खर्चा नहीं कर रहा पूरा. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ये है, तो ये क्या शो कर रहा है कि 6 bananas and 1 apple, तो 6 banana कितने के हुए? 6 into 2 12, और 1 apple कितने का हुआ? 1 into 4 4, तो देखो 16 का खर्चा हुआ ना. फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट ले लो, तो देखो 4 banana 1 apple, तो 4 banana कितने के हुए? 4 into 2 8, 1 apple कितने का हुआ? 4, यहाँ हुआ 12 का खर्चा. तो जितने भी पॉइंट्स अंदर होंगे, चाहे वो कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, ये सब पॉइंट्स क्या शो करेंगे? अंडर स्पेंडिंग, कि मैं अपना पैसा कम खर्च कर रहा हूँ या फिर मैं सेविंग कर रहा हूँ, समझे? और अगर कोई पॉइंट बाहर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पॉइंट जेड. अब कुछ बच्चे इसको ना जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं ओवर स्पेंडिंग. भाई ओवर स्पेंडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता. आपके पास अगर 20 रुपये है तो आप 20 से ज़्यादा स्पेंड कैसे करोगे? तो ये जो बाहर पॉइंट होता है इसको हम ओवर स्पेंडिंग नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनअचीवेबल. ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो हमारे लिए अनअचीवेबल है, क्योंकि हमारा बजट ही इतना है, हमारा बजट ही ये है, ये हमारा बजट है बस, इससे बाहर में नहीं जा सकता. इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो जेड हो, चाहे वो ये डब्ल्यू हो, चाहे वो आर हो, आर तो खैर हमने लिख दिया, चाहे वो हो सी हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के बाहर हमारे लिए अनअचीवेबल, क्योंकि वो बजट से बाहर जा रहे हैं, सीधा सीधा, समझे? अच्छा, अगला टॉपिक आता है, उससे पहले जाने से पहले बजट सेट समझ लो कि बजट सेट क्या है. देखो बजट लाइन में मैंने जितने भी कॉम्बिनेशंस लिए थे उन सब में मैंने पूरे 20 रुपीज स्पेंड करे थे. बजट सेट में ये कॉम्बिनेशंस तो आएंगे ही,
लेकिन इसके अलावा वो कॉम्बिनेशंस भी आ जाएंगे जिसमें मैं 20 स्पेंड नहीं कर रहा, यानी कि अंडर स्पेंडिंग वाले। यहाँ पे अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, बजट सेट उनको भी कवर कर लेगा। यानी बजट लाइन में जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, वो सिर्फ वो आते हैं जो मेरी इनकम को पूरा स्पेंड करके आते हैं। लेकिन बजट सेट में ऐसा नहीं है। बजट सेट में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस of two goods which a consumer can afford, जो वो afford कर सकता है अपनी income और price के साथ। यानी for example मैंने दो banana और दो apple लिए, तो ये कितना हुआ 22.4 और ये हुआ 8.12, तो ये भी budget set में आएगा, budget line पे नहीं आएगा। For example मैंने spend ही नहीं करा, मैंने कहा 0.0, मैं एक भी apple नहीं लेता, एक भी banana नहीं लेता, 20 के 20 save करूँगा, ये भी budget set में आएगा, ध्यान रखना। मैंने कहा 0.1, 0 एप्पल एक बनाना, बस मैं 2 रुपये स्पेंड करके खुश हूँ, ये भी बजट सेट में आएगा। मैंने कहा 0.2, मैंने कहा 0.3, तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ नहीं आ रहे लेकिन यहाँ आ रहे हैं। तो बजट सेट 20 रुपीज़ के अंदर अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबको कवर कर लेता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो बजट लाइन की प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है भाई, ऊपर से नीचे तो आता ही है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड आएगा। नंबर टू, स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन होने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है प्राइस रेशियो। वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट प्राइस रेशियो। कॉन्स्टेंट प्राइस रेशियो का मतलब क्या है? देखो प्राइस रेशियो होता है हमारे पास पी ए डिवाइड बाय पी बी, प्राइस ऑफ एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बनाना। देखो प्राइस ऑफ एप्पल कितना है 4, प्राइस ऑफ बनाना है 2, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में, पूरे के पूरे पॉसिबिलिटीज में वो कांस्टेंट है। प्राइस रेशियो यही है, चाहे कॉम्बिनेशन कोई भी लो, हमने प्राइस चेंज नहीं करा, हमने बोला एप्पल 4 का है तो 4 का ही है और बनाना 2 का ही है, तो ये कांस्टेंट रहा। इसी वजह से बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, और इसी को हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन भी क्या होता है? यही प्राइस रेशियो, समझे? तो अगर कोई पूछ ले कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, प्राइस रेशियो होता है, और प्राइस रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, जिस वजह से बजट लाइन कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो ये हो जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, बजट सेट, बजट लाइन, बजट लाइन का स्केड्यूल, बजट लाइन का कर्व, अंडर स्पेंडिंग, अनअचीवेबल, फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इन पॉइंट्स पे। बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब फुल यूटिलाइजेशन शो करते हैं। क्लियर हुआ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट लाइन का, जो आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द शिफ्ट इन बजट लाइन। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास? शिफ्ट इन बजट लाइन। अब ध्यान से समझना, कुछ केसेस हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं शिफ्ट इन बजट लाइन में। क्या केसेस हैं वो देखो जरा। देखो बजट लाइन शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट इन बजट लाइन। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कि बजट शिफ्ट किधर होगा? अगर आपका बजट इंक्रीज हो रहा है तो वो राइट में शिफ्ट होगा, और अगर आपका बजट डिक्रीज हो रहा है, बजट कम हो रहा है, तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर बजट बढ़ रहा है तो कर्व राइट में जाएगा, बजट कम हो रहा है तो कर्व लेफ्ट में आएगा। भाई ऑब्वियस है, राइट में ज्यादा कॉम्बिनेशन आ जाएंगे ना, ठीक है? और इसके रीजन क्या होते हैं? दो रीजन होते हैं, ड्यू टू। शिफ्ट किस वजह से होगा? या प्राइस की वजह से, या मेरी इनकम की वजह से, या प्राइस की वजह से या फिर इनकम की वजह से, ठीक है? अब आप खुद सोचो, मैं कुछ कर्व्स बनाऊंगा, ध्यान से समझने हैं सबने। मैं ये चार कर्व्स बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये मेरा बजट लाइन है, फिर ये मेरा बजट लाइन है, फिर ये मेरा बजट लाइन है, और फिर ये मेरा बजट लाइन है। इधर एप्पल लिया है, इधर बनाना, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, और एप्पल बनाना। वाई एक्सेस ओरिजिन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस ओरिजिन एक्स एक्सेस। इकोनॉमिक्स में प्लॉट करने के छोटी छोटी गलतियों पर नंबर कटते हैं, ध्यान से सीख लो। अब देखो मैंने ये चार कर्व्स बनाए हैं, चारों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, चारों के अलग अलग वैल्यूज हैं। देखो मैंने क्या बोला,
मैंने बोला कि हमेशा बजट जब भी शिफ्ट करेगा दो चीज़ों की वजह से शिफ्ट करेगा, या प्राइस या इनकम। भाई मैंने बोला कि प्राइस हो गया कम। अब आप खुद सोचो कि किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो आपका बजट बढ़ जाता है। पहले मैं वो चीज़ नहीं ले रहा था क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं था, अब जब प्राइस कम होगा तो वो मेरे बजट में आ जाएगा, समझे? तो अगर प्राइस कम हुआ तो मेरा बजट बढ़ जाता है। सबसे पहला केस, प्राइस कम होना। प्राइस कम होगा तो बजट बढ़ जाएगा, बजट बढ़ा तो कर्व कहाँ जाएगा? राइट। तो आप यहाँ से इस तरीके से एक नया बजट लाइन बना दोगे, इस तरीके से। ये बजट लाइन मेरा इधर चला गया, इसको बोल देना ए डैश बी डैश। तो अगर प्राइस कम हुआ तो बजट विल इंक्रीज फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश, ऐसा लिख के आना है, समझे? अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा कॉम्बिनेशन हम यहाँ बनाते हैं कि प्राइस बढ़ गया। अब आप सोचो, प्राइस अगर बढ़ेगा तो बजट बढ़ेगा क्या मेरा? नहीं, बजट कम होगा। प्राइस बढ़ेगा तो बजट कम होएगा? होएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा तो बजट कम हुआ, बजट कम होगा तो कहाँ आएगा कर्व? लेफ्ट में। तो अब आपका बजट लाइन इधर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ए डैश बी डैश, बात खत्म। बजट बढ़ा तो राइट में ले जाओ, कम हुआ तो लेफ्ट में ले आओ, ठीक है? अच्छा, प्राइस कम होगा तो बजट बढ़ेगा। भाई सस्ता होगा तो मेरे बजट में आएगी कोई चीज़, महंगी होगी तो मेरे बजट से जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं आज ले सकता हूँ, मेरी इतनी इनकम है और ये बहुत महंगा हो जाए मैं छोड़ दूंगा, मैं कहूँगा भाई मेरे बजट से बाहर है, तो बजट मेरा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से भी बजट पे फर्क पड़ता है। पहले मेरी इनकम कम थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बजट में नहीं आती थी। अब सपोज मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, पता है ना? इनकम अगर मेरी बढ़ गई तो मेरा बजट भी बढ़ जाता है। इनकम अगर बढ़ गई तो बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइट। बजट बढ़ गया तो इधर ऐसे, ठीक है। अगर इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मेरी इनकम कम हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरी जॉब चली जाए, इनकम कम हो जाए, इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली मेरा बजट भी कम हो जाएगा। इनकम कम होगी तो बजट भी कम हो जाएगा, तो अब वो इधर आएगा ए डैश बी डैश, समझे? इस तरीके से हम लोग शिफ्ट इन बजट लाइन दिखाते हैं, अगर प्राइस में चेंज हो या इनकम में चेंज हो। इनकम में इस हिसाब से, प्राइस में इस हिसाब से। अब कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो स्पेशल केसेस क्या बोलते हैं? स्पेशल केसेस ये बोलते हैं कि अगर प्राइस में चेंज सिंगल गुड में हो, इफ प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस, अगर एक गुड का प्राइस चेंज हो, अगर एक गुड का प्राइस चेंज होगा तो कैसे कर्व्स बनेंगे, समझो। फिर हम लोग चार केसेस बनाएंगे, ध्यान से समझना। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। ये हमारी पहली बजट लाइन, ये हमारी दूसरी बजट लाइन, ये हमारी तीसरी बजट लाइन, ये हमारी चौथी बजट लाइन। x एक्सेस ओरिजिन y एक्सेस, y एक्सेस ओरिजिन x एक्सेस, y एक्सेस ओरिजिन x एक्सेस, y एक्सेस ओरिजिन x एक्सेस। अब इधर मैंने ए बी ले लिया, ये भी ए बी, एप्पल बनाना समझते हो ना? अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि ओनली प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस, ओनली प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजेस। मतलब कि बनाना का प्राइस सेम है, यहां पे क्या ले रहा हूं, ओनली प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीजेस एंड ओनली प्राइस ऑफ बनाना डिक्रीजेस। एप्पल का सेम है, एप्पल के प्राइस पे कोई चेंज नहीं है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आए कि सिंगल गुड के प्राइस में इफेक्ट आ रहा है, अब देखो अगर प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ा, सिर्फ एप्पल महंगा हुआ तो बनाना मैं उतना ही लूंगा, सिर्फ एप्पल कम करूंगा, क्योंकि महंगा क्या हुआ है, एप्पल महंगा हुआ है, तो बनाना तो उतना ही लूंगा, एप्पल कम करूंगा। अगर एप्पल कम करूंगा तो ये मेरा बनाना पे तो सेम रहेगा, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा। देखो इधर मेरा बजट कम हो गया तो ये लेफ्ट में आ गया, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो बजट मेरा कम होता है, बजट कम होगा तो लेफ्ट में आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की तरफ से, एप्पल कम कर दिया, बनाना वही है, क्योंकि महंगा क्या हुआ था, एप्पल महंगा हुआ था, एप्पल महंगा हुआ तो मेरा बजट ऑफ एप्पल कम हो गया, बजट ऑफ एप्पल कम हुआ तो मैं इसको ऐसे कम कर दूंगा, समझे? अब सपोज एप्पल सस्ता हो गया, एप्पल सस्ता हो गया तो मेरा एप्पल का बजट बढ़ गया,
अगर एप्पल सस्ता हुआ तो एप्पल का बजट बढ़ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, बनाना को यहीं रखूँगा कॉन्स्टेंट, एप्पल की तरफ बढ़ा दूंगा इस तरीके से। अब मेरा ये एप्पल पहले मैं इतना ले रहा था, अब मैं इतना लूंगा, ऐसे दिखाना है। अगर सिंगल में चेंज है तो आप ग्राफ पे जो चेंज दिखाओगे वो सिंगल कमोडिटी पे ही दिखाओगे, समझे। अब सपोज इधर आता हूँ, प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीजेस, सिर्फ बनाना महंगा हुआ भाई, अगर बनाना महंगा हुआ तो बजट ऑफ बनाना मेरा कम हो जाएगा, एप्पल सेम रहेगा, एप्पल सेम है, बनाना का बजट कम हो गया तो इसको इधर ले आओ, कम होगा तो लेफ्ट में आएगा ना, इस तरीके से ये ले लिया कि एप्पल सेम है, बस ये मेरा नीचे की तरफ आ गया, कम हो गया मेरा बजट, ठीक है। और लास्ट क्या होता है कि प्राइस ऑफ बनाना इज डिक्रीज्ड, बनाना सस्ता हो गया तो मेरा बजट ऑफ बनाना बढ़ जाएगा, बजट बढ़ा अगर बनाना का तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और एप्पल विल रिमेन सेम, एप्पल वही है, बस बनाना का बजट बढ़ गया, इधर चला गया, समझ रहे हो। तो अगर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, दोनों में हो तो पीछे मैंने दिखाया पूरा बजट लाइन शिफ्ट होता है, या राइट में या लेफ्ट में, समझ में आया। इसी के साथ हमारा बजट लाइन का टॉपिक समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना के देखना, साथ साथ बनाना, जैसे मैंने बनवाए हैं वैसे बनाना, तो आपको मजा आएगा यार बनाना को बनाना, ठीक है, बजट लाइन बनाना। और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया, एंड आई डोंट लाइक बिग वीडियोज, आई रियली वॉन्ट कि आप छोटे वीडियोज में फटाफट रिविजन करो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारा काम हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल तो स्टैटिस्टिक्स आएगा, डे आफ्टर टुमारो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, डिमांड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इलास्टिसिटी एक ही वीडियो का काम है, तो अल्टीमेटली 1, 2, 3, 4 कंप्लीट, आपके दो यूनिट्स पूरे हो जाएंगे। अच्छे से रिवीजन करो और अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाओ और कोशिश करो कि बहुत अच्छा हम सब मिलकर स्कोर करें। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।